पहले तो सबको मेरा प्रणाम। मैं मुस्कान सिंह, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में मीडिया प्रभारी के पद पे काम कर रही हूँ। और कल भव्य शोभा यात्रा के बारे में कहना चाहूँगी। PW तिराहे से ये स्टार्ट हुआ था। काफ़ी तादाद भीड़ में बहुत सारी महिलाएं और पुरुष थे वहाँ पे। काफ़ी भव्य था और ये कृषि भवन में समाप्त हुआ था। और हम कोशिश करेंगे कि ये अगले साल और अच्छा हो, अच्छे से हो, भव्य शोभा यात्रा हो। शोभा यात्रा में कितने लोग शामिल थे? हजारों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग थे वहाँ पे। महिलाएं पुरुष सब, महिलाएं पुरुष सब मिला के। कल परशुराम जयंती थी, भव्य तरीके से शोभा यात्रा शहर में निकाली गई थी। हजारों की संख्या में लोग पुरुष और महिलाएं शामिल थी। क्या कहना चाहेंगे शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा बहुत ही मंगलमय रहा, कुशल मंगल रहा, बहुत ही भव्य तरीके से निकाला गया। ये मेरे सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। ये जो परशुराम जयंती पे शोभा निकाला गया, भव्य शोभा थी ये। और मैं ये सारे अतिथिगणों को सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। और इस पद पे मैं जिला शय प्रभारी को हार्दिक सबको प्रणाम करती हूँ। संगठन को लेकर क्या बोलेंगे, जो जिस संगठन से आप जुड़ी हुई हैं? मैं महिला मोर्चा संगठन के बारे में सारी महिलाओं को, ये नहीं मैं कहती कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जो भी है, ये मेरे सनातन धर्म की हमारी महिलाओं पे मैं सबसे दूर दूर तक कहना चाहती हूँ कि सारी एकताएँ अगर अलग बनाए रखेंगी तो हम लोग बहुत ही आगे मुकाम पे इस परिवार को लेके जाएंगे। अपने संयुक्त परिवार को हम जोड़ के लेके जा सकते हैं। और महिलाओं से क्या संदेश देना चाहेंगी, जो महिलाएँ आपसे जुड़ना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहूँगी, आप जो भी इसमें सुरक्षा चाहेंगी, इस संस्था में इतनी अच्छी व्यवस्था है, आपको सारी व्यवस्था दी जाएगी। एक महिला के तौर पे, मैं भी एक महिला हूँ, मेरे भी परिवार में बहुत बड़े बड़े परिवार से नहीं बिलोंग करती, मैं एक मीडियम परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा, मैं यहाँ तक आई। मैं बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप सारे लोग इसमें ज्वाइंट होइए और अपनी सारे बातों को रखिए, जो आपके अंदर है, छुपी हुई है सारी चीज़ें, वो सबके सामने लाइए आप। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है जी, तो उसमें आप लोग कुछ सहयोग करती हैं? क्यों नहीं, अगर हमें पता चलता है ये महिला है ऐसे, उसके घर में सास ससुर है या उसका हस्बैंड भी हो सकता है, पूरा परिवार भी हो सकता है, तो अगर हमें पता चलेगा तो मैं उस मोर्चे को हाँ लेके जाऊंगी। अपने अध्यक्ष जी से भी कहूंगी कि आप लोग भी चलिए, और अध्यक्ष जी हैं यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं और उनको एकदम आवश्यकता अनुसार जो उनको ज़रूरत है वो सुविधा दी जाती है हमारे महिला समाज में। मैं तो ये कहना चाहूँगी सबसे, जितनी भी महिलाएँ, बहनें हैं, माता हैं, बहनें, बेटियाँ जो भी हैं, वो सब में इसमें ज्वाइंट हों और अपना इस कार्य को आगे बढ़ाएँ। 10 मई 2024 को शोभा यात्रा निकाली गई परशुराम जयंती पर। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के योगदान किया और सभी के सहयोग से हमारी शोभा यात्रा जो है वो बहुत ही अच्छे से हुई, संपन्न हुई। और शोभा यात्रा वहाँ पे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप महिला अध्यक्ष हैं जिले की, तो अब तक जिले के और भी उसमें जो है कितने लोगों को आपने जोड़ा है संगठन में, और संगठन का किस तरीके से विस्तार किया है, किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हैं आप? बहुत, जितना हो सके उतना। हम तो चाहते हैं कि हमारा संगठन जो है वो बुलंदियों को छुए। और हम लगभग अभी तक आपके संगठन में कितनी महिलाएं होंगी? लगभग हम लोग जी 100 तक पहुंच गए हैं हम लोग। अभी हम चाहते हैं कि और जितना हो सके उतना माताओं बहनों को हम जोड़ें इसमें, जोड़ के लोगों को सहायता जी। हम लोग जात पात पे ध्यान न देते हुए सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास है, यही हमारा उद्देश्य है कि सबको एक साथ लेकर के हम चले। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम ललिता मिश्रा है, मैं
अखिल भारतीय ब्राह्मण सारा में मैंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ, प्रीति तिवारी हमारी अध्यक्ष जी हैं, और कल शोभा यात्रा में बहुत भव्य शोभा यात्रा हुई, और जहाँ भी असुविधा लगा वहाँ सुविधा दिया गया सभी को, और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे एक सूत्र में जोड़ के हम सभी बहनों को आगे निकालेंगे हम लोग, और हमारी यही इच्छा है कि सभी लोगों को आगे निकालना, हम लोगों का एक दूसरे से प्रेम और जहाँ संगठन रहेगा वहीं जो है एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, और हम लोग विकास के आगे में चलना चाहते हैं, क्योंकि आज की महिलाएं विकास नहीं सोचती हैं, और हम लोग हर महिला के जागरूकता बनाएंगे और जागरूक करना चाहते हैं कि गांव-गांव की महिलाएं जो है जागरूक हों, अपना कार्य संभालें, अपने दायित्व को समझें, और जो दायित्व को समझ लिया तो जानिए आगे संगठन को बढ़ाने के लिए पूरी मजबूती करेंगे। और यही क्या है? निर्देश मिलता है आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? बहुत अच्छा निर्देश मिलता है। अच्छा, पहली बात तो सम्मान मिलता है, यहाँ महिलाओं को जाति पात नहीं देखा जाता है। ये भी, और जो है महिलाओं को पूरा सुरक्षा और सुविधा मिलती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं दिक्कत। अभी 25 मई को मतदान होने वाला है, एक बार अपने संगठन की तरफ से मतदान के लिए जागरूक कर दीजिए। हाँ, 25 मई को मतदान होने वाला है, मैं जागरूक में लग गई हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो है महिलाएं जो है मतदान के लिए नहीं जाती हैं, तो एक महिला होने के नाते आप जो है जी मैं संगोठनी करवा रही हूँ, जैसे 10 महिला, 5 महिला, 8 महिला, ऐसी महिलाओं को इकट्ठा करके मैं जागरूक कर रही हूँ, जैसे अधिक से अधिक हमारी महिलाएं, डॉक्टर की महिला हमारी मित्र है, जैसे इंजीनियर की महिला हमारी मित्र है, और कैशियर में लोगों को जनसंपर्क कर रही हैं, हाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, और सभी को जो है हमने जोड़ के आगे बढ़ाने के लिए उठा किए, और जहाँ जहाँ बैठते हैं वोट मतदान के लिए जरूर करते हैं, हाँ मतदान के लिए हम लोग अपील जरूर करते हैं, क्योंकि आप लोग एक वोट राष्ट्र के नाम, एक ये वोट हम लोगों का, एक जान ले मतदान मेरा अधिकार है, एक पर्व राष्ट्र है, क्योंकि इस राष्ट्र को हम लोग जागरूक क्यों कर रहे हैं कि हर जगह कुछ लोग एसी पा जाते हैं तो नहीं वोट करने जाते हैं, लेकिन आज हम लोग माताओं बहनों को जागरूक कर रहे हैं घर घर घुस के कि वो मतदान करने जाएं 24 तारीख को, क्योंकि हमारा 25 मई को वो वोट करें जरूर, क्योंकि हम लोगों का एक अधिकार है, वो अधिकार नहीं छीने, क्योंकि वो अधिकार अपना अपने पास रखें, वोट दे के